जो अमूमन वक्फ नहीं होती और लोग वैसे ही नमाज के लिए मार्केटों में या मुख्तलिफ मकामात पर मखसूस कर देते हैं, इसी के साथ ही घर में भी जगह मखसूस होती है, तो वही फजाइल इसके लिए भी हैं या इसमें कुछ फ़र्क है? नहीं, मस्जिद के लिए ये है कि उसे अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए नमाज की, मुसलमानों की नमाज की अदायगी के लिए वक्फ किया जाए। जो जगह इस तरह वक्फ है वो शरण मस्जिद है, सही, तो मस्जिद के जो फजाइल हैं वो इन्हीं मस्जिदों के लिए हैं। तो अब जाए नमाज अगरचे चंद लोग मिलते हैं ऑफिस के अंदर, फ्लैट के अंदर, बाजार के अंदर, किसी जगह को मखसूस कर लेते हैं जी और उसको साफ सुथरा रखते हैं और नमाज के लिए वहां पर एहतमाम हो जाता है, जी जी तो ये एक अच्छी बात है कि नमाज की अदायगी के लिए जगह जगह मकामात मखसूस हों और लोग मिलकर जो है वो सही तरीके से नमाज की अदायगी करें तो उन्हें एक मुनासिब जगह भी मिल जाए। लेकिन हर जगह मस्जिद तो नहीं है। सही। अब जहाँ मस्जिद ही नहीं है और घर के अंदर नमाज पढ़े तो अपने घर को मस्जिद तो नहीं कहेगा। हाँ, जिस जगह वो सजदा कर रहा है वो जगह यानी सजदा करने के एतबार से मस्जिद हो गई, लुघवी एतबार से। मस्जिद के माने जाए सुजूद, जहाँ सजदा सजदा करने किया की जाए। जगह। लेकिन एक शरण मस्जिद वो है कि जिसको बाकायदा किसी मालिक ने जो वक्फ की जा सकती है जमीन, तो उसको अल्लाह ताला की रिजा के लिए नमाज के लिए मुसलमानों की वक्फ किया। मिसाल के तौर पे एक होती है जामा मस्जिद, मस्जिदों के अंदर मशहूर तरीन मस्जिद हराम शरीफ, मस्जिद नबी शरीफ, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा, इसी तरह जामा मसाजिद है, मस्जिद महल्ला होती है, बाजारों की मस्जिद होती है, स्टेशन की होती है, और इसी तरह शाहराहों पर मस्जिद मुसाफिरों के लिए बना दी जाती है। ये सब मस्जिदें वक्फ की जाती हैं। तो जब जो जगह वक्फ कर दी जाए और उसका जो मालिक है वो मस्जिद की नियत कर ले कि मैंने इसे मस्जिद किया, अब शरण मस्जिद हो जाएगी और मस्जिद की फजीलत वहां पर मिलेगी। जब तक वो वक्फ नहीं होगी, अगरचे उस पर 100 साल तक नमाज पढ़ी जाए किसी जगह पर, ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगरचे कितने ही अरसे के लिए वहां पर नमाज पढ़ी जाए और उसको मालिक ने वक्फ नहीं किया, तो वो शरण मस्जिद नहीं है, उसके लिए मस्जिद वाले फजा